सबको नमस्कार। दिल्ली में अभी तक 3515 केस कल रात तक हुए हैं, लगभग 3500। इनमें से 1100 लोग ठीक होके अपने घर चले गए हैं। 59 लोगों की मौत हो गई और 2362 अभी एक्टिव हैं। एक तरह से अगर इसको देखा जाए, 3500 केस हुए हैं, तो एक मन में ये आता है कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन संक्रमित है, कौन इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड है उसका फिर इलाज कराया जा सके, उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए, और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर जितने लोग इन्फेक्टेड मिले 3500, उनमें मरने वालों की भी संख्या 59 है, जो अन्य देश और अन्य राज्यों के मुकाबले में अगर रेशो देखा जाए तो वो भी लगभग कम है। लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं, कंटेनमेंट जोन्स, अब कई कंटेनमेंट जोन्स हैं जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं, और सारी मशीनरी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक तरफ अपने को कोरोना को फैलने से रोकना है, और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होके अपने घर चला जाए, मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। एक अच्छी खबर ये है कि LNJP अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल करने के लिए। उसके हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी, उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफ़ी सीरियस था, ICU में था, लेकिन कल वो ठीक होके अपने घर चले गए हैं। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आए थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ये हुआ, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि जी क्या प्लाज्मा थेरेपी बंद कर रहे हो। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से अप्रूवल है वही लोग प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करें, दूसरे लोग ना करें। प्लाज्मा थेरेपी के अभी नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं, यही केंद्र सरकार ने कहा था। और वो हम भी मानते हैं कि अभी हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं, LNJP अस्पताल के अंदर जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई इसके नतीजे कैसे आते हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आ रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे नतीजे आएंगे ताकि अपने को एक समाधान मिल सकेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बंद कर रहे हैं, नहीं, दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल पूरी जोर शोर से चल रहे हैं, और जैसे जैसे जो जो नतीजे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। मुझे बेहद खुशी है 1100 के करीब लोग जो दिल्ली में ठीक हो गए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, और सभी लोग लगभग अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। सबको ये लगता है कि यार मैं बच गया, अब मेरे प्लाज्मा की वजह से अगर कोई और बचता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सब लोगों का, जो जो लोग प्लाज्मा के लिए डोनेट कर रहे, अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जो रिकवर हो गए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी मार गरीबों को लगी है,
रोज कमाने खाने वालों को बहुत बुरी मार लगी है, उनके घर में तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने इस महीने हम राशन दुगना दे रहे हैं मुफ्त में। हर महीने नॉर्मली 5-5 किलो राशन दिया जाता था, पिछले हफ्ते हमने 1.5 गुना दिया था, 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया था। इस महीने हम लोग 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं ताकि आपका घर चलता रहे, आपका खाना चलता रहे, आपके घर में खाने की दिक्कत ना हो। और राशन के साथ साथ कई लोगों का ये आया था जी केवल राशन से काम नहीं चलता, तो हम एक किट दे रहे हैं जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें की 6-7 चीज़ें हैं, साबुन है, तेल है, इस तरह की नमक है, इस तरह की 6-7 चीज़ें आपको बना के किट में दे रहे हैं ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे। कोटा के अंदर हमारे दिल्ली के कुछ बच्चे जो IIT की तैयारी करने के लिए गए थे वो फंसे हुए थे, उनके कई मैसेजेस आते थे मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि जी हमें वापस बुलाओ, मेरे हाथ बंधे हुए थे क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। परसों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, आज दिल्ली से लगभग 40 बसें कोटा जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ये बसें उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी। और मैं मुझे खुशी है कि वो बच्चे अब अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आने के बाद 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन करना है ताकि दूसरों को ना फैले, आपके घर के लोगों को भी ना फैले और दूसरे लोगों को भी ना फैले। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी यूपी के, बिहार के, झारखंड के जो लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं उनका क्या। तो सभी सरकारों के साथ बातचीत चल रही है, जैसे आज मैंने आपको कोटा के बारे में बताया, अन्य सरकारों के साथ भी बातचीत के जो नतीजे निकलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो भी बात फाइनल प्लानिंग होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा ताकि हम कोरोना को हरा सकें। और जल्दबाजी बेचैनी मत करिए, इस वक्त संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जिस राज्य के साथ जो भी फाइनल होगा मैं आपके सामने आके आपको बताऊंगा। और जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी एक क्रांति है। आप सब लोग क्रांतिकारी हैं, आप तन मन धन देश के नाम समर्पित करके आम आदमी पार्टी में आए थे। यही मौका है अपनी देशभक्ति और अपने जज्बे को देश के लिए समर्पित करने का। आप बिल्कुल निडर होके इस वक्त जनता की सेवा कीजिए। एक तो ये करना है कि अपने इलाके के अंदर किसी को भूखे नहीं मरने देना, अपने इलाके के अंदर किसी को भी कोई भी किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत है आप आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए। ये पुण्य का काम भी है, ये देशभक्ति का काम भी है। और बिल्कुल निडर होके आप लोग काम कीजिए, अपनी भी सुरक्षा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपनी भी सुरक्षा रखिए, लेकिन जो भी इस वक्त ज़रूरत में है, बहुत गरीब लोगों की मैं कहानियाँ सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूँ, लोगों से सुनता रहता हूँ और बहुत दर्दनाक कई लोगों के दिक्कत हो रही है, उन सब की मदद करनी है। और अगर कुछ भी मेरी ज़रूरत पड़े, सरकार की ज़रूरत पड़े, हमें भी बताते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।